हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देश की जानी मानी और लीडिंग कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आई हुई जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इनकी ये जो वैकेंसी आई हुई है, इनके मानेसर और गोगांव प्लांट के लिए निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जो आप लोग की नियुक्ति है वो भी वहीं पर की जाएगी। और ये एक अर्जेंट हायरिंग होने वाली है। पहली पोस्ट होगी TW की और जो दूसरी पोस्ट है अप्रेंटिसशिप की। और दोनों ही जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। तो हम आगे चल करके इनकी ऑफिसर वेबसाइट पर भी जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके बताएंगे। और यहाँ पर जो आप लोग को TW और अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग जो सैलरी का पैकेज रहेगा, तो आगे चल करके हम देखेंगे कैटेगरी वाइज की कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कौन सी जो आपको ट्रेड या फिर जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, वो सब हम बारी बारी से बात करेंगे। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं डेली जॉब अपडेट पाते रहने के लिए। तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ITI फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए कंपनी में डायरेक्ट भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयनित उम्मीदवारों को जो है मानेसर और गुड़गांव प्लांट में पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके फॉर्म भरने पर कि आप कहाँ के लिए ये जो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब पोस्ट की डिटेल के बारे में देखा जाए, हम बारी बारी से देखेंगे। पहले TW की पोजीशन के लिए देखते हैं। तो जो लोग TW के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके लिए हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ITI पास होना चाहिए NCBT या फिर SCBT से, तो ये दोनों ही ट्रेड जो काउंसिल है वो एलिजिबल होंगी। और ये ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एग्जांपल के लिए फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी जितने भी ट्रेड वाले हैं ये सो जो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो काउंसिल रहेगी ये मैंने आपको बता दिया था। और जो इंस्टीट्यूशन रहेगा गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ITIs हैं दोनों ही अप्लीकेबल होंगे। आप लोग को मालूम होगा कि अप्रेंटिसशिप में केवल या फिर कुछ और जो पोस्ट आती है मारुति सुजुकी की तरफ से उनमें सिर्फ गवर्नमेंट ITI वालों को लिया जाता है, लेकिन ये जो पोस्ट आई है इनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही अप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की बात करें, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ट्रेड के बारे में फिर से वही ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें ITI के जो काउंसिल रहेगी वो केवल NCBT वाले ही अप्लीकेबल होंगे। और जो इंस्टीट्यूशन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि केवल गवर्नमेंट वालों को ही लिया जाता है, तो इसमें केवल गवर्नमेंट ITI वाले ही अप्लीकेबल होंगे। और अब सैलरी की बात करें, पहले देखते हैं अगर आप TW के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर इसमें चयनित हो रहे हैं तो आप लोग को 26,640 पर मंथ के आसपास में CTC बन जाएगा। और जो अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड बनेगा ये भी CTC का रूप रहेगा, ये 15,600 के आसपास में बन जाएगा। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बेनिफिट के बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म, शूज़ और कैंटीन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी। अब एजुकेशन देख लेते हैं। तो ITI, NCBT या फिर SCBT से अप्लाई जो एलिजिबल होंगे ये दोनों ही वाले। और जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहले पासिंग आउट ईयर के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्म पर भी आएंगे। तो जो पासिंग आउट ईयर है 2018, 19 और 20, जो 20 में अभी अपेयर भी हुए वे लोग भी अप्लीकेबल होंगे। अब एज लिमिट देखते हैं, TW के लिए अलग है वो है 18 से 26 साल और जो अप्रेंटिसशिप के लिए अलग है वो है 18 से 23 साल। अब यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट जो टेस्ट लिया जाएगा आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर का, और जो दूसरा है प्रोसेस पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग आपका होगा। अब यहाँ पर जो आगे चलते हैं, लास्ट डेट देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म पर भी आएंगे। तो जो लोग TW के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए 31 जनवरी 2021 तक के लास्ट डेट रखी गई है, और जो ITI अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए 25 जनवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पर जॉब का लोकेशन और जो जॉब का ड्यूरेशन भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम अप्लाई करने के प्रोसेस पर आते हैं। तो 7 मंथ का रहेगा TW का और अप्रेंटिसशिप का रहेगा 1 साल का। इसके बाद में जो TW में आपको जो TW2 रहेगा उसके लिए कंप्लीशन जो आपका 7 मंथ का हो जाएगा, उसके बाद में TW2 के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। और अप्रेंटिसशिप में भी उसी प्रकार TW2 के लिए आपको 1 साल के बाद बुलाया जा सकता है कंप्लीशन के बाद। तो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं मैंने नीचे में लिंक दे के रखा है, आपको आ जाना होगा। और जो है अप्लाई फॉर TW पोजीशन, इसके लिए अप्लाई लॉ पर आपको क्लिक करना होगा या फिर ITI अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आप लोग अगर अप्लाई नाउ करते हुए जो है पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके से पूछ सकते हैं, मैं आपको जो इसके जो एक और वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो ये जो TW के लिए मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 जनवरी 2021 तक के यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की।